यहाँ पे प्रबोध जी दावकड़े, इनका ये नाइट्रो जिम जो है इट्स एन आइकॉनिक जिम। हम सब जानते हैं कि इनकी जो चेन है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्लैमरस जिम है। इतना ही नहीं, ये ऑब्वियसली इसके पीछे जो दिमाग हम कह सकते हैं ये बाहर से बहुत ट्रेन होके आए हैं। और ट्रेनिंग तो एक्चुअली अंदर से शुरुआत होती है, बाहर से तो खाली ज्ञान बांटा जाता है, बट फिर भी आप सॉरी आई सॉरी टू कट यू सर बट नो नो इट्स ऑल दिस इज परफेक्ट। आई मीन द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट वी सी टुडे, तो ये प्रबोध जी इनके पास तो ऐसे कूट कूट के भर भर के भरा हुआ है। एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जिम मेंटेन है और इस यहाँ का वाइब क्या है ये भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आज इन्होंने जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ऑब्वियसली इट इज़ अ ब्यूटी पेजेंट, एडमायरिंग ब्यूटी, जो एक एक लड़की है। एक देयर वाज वन राउंड जहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर राउंड था, अमेजिंग, देयर इज अ नेशनल बॉक्सर आउट हियर एंड सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, इतनी सुंदर लड़कियाँ हैं और वेल फिटनेस फ्रीक। आज के तारीख में फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तो यहाँ पे दो NGOs भी आए हैं एज गेस्ट एंड उनको यू नो टू अप्रिशिएट देम, टू ऑनर देम, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी, कि उनको भी एक अलग अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे हम सब में आके। एक आई थिंक दे डिड अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, दे वॉक द होल रैम, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत एक अच्छा अनुभव रहा होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट एंड उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है एंड दे ऑल वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली दे आर सो प्रिटी, माय गॉड इट वाज रियली लवली। हाउ वाज एंड इट वाज माय एक्सपीरियंस, लाइक आई शुड बी आस्किंग हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर कमिंग दिस थिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट शी मेड टाइम फॉर दिस इवेंट टुनाइट। आई एब्सोल्युटली हैव टू बी योर, व्हेन इट्स योर इवेंट आई हैव टू बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे याद है जिस दिन इस जिम का ओपनिंग हुआ था उस दिन भी मैं यहाँ पे थी एंड इनके जो भी इवेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से वो ख्याल हमारा ख्याल भी रखते हैं। ही इज अ डिफरेंट क्लास अपार्ट, सो ही इज अ वेरी गुड होस्ट। जी ये बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी जस्ट प्रीवियसली बताया था कि ये इवेंट जैसे 8 मार्च का था, वुमेंस डे का था एंड मुझे जो ये ऑर्फनेज या फिज़िकली चैलेंज जो स्मॉल बच्चियां है उनके लिए ये इवेंट करना था और मैंने सोचा कि एक ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से इसको प्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैंने तो उस हिसाब से फिर हमने ये सोच के फिर ये इवेंट प्लान किया था। बट आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके बारे में हर बार बात करते हैं। 8 मार्च हो चुका है एंड आई थिंक 8 मार्च को बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, आप भी बिजी हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए, लोगों तक पहुँचना चाहिए, इनका काम पहुँचना चाहिए, तो आई थिंक टुडे वाज अ परफेक्ट डे। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।